हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में चाहे मिरर वाला केस हो, चाहे लेंस वाला केस हो, या रिफ्रैक्शन वाला केस हो, है ना। हर केस में ऑब्जेक्ट और इमेज, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो बार बार यूज में आते हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन में ये लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का नाम नहीं लिखा रहता, कई बार लिखा रहता है कि इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। वो क्या होता है? क्या वो ऑब्जेक्ट होता है? क्या वो इमेज होता है ना? वो हमें पहचानना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो वो पॉइंट जहाँ पर रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, वो हमें समझना होगा। जब तक हम इनको नहीं समझते हैं, है ना, तब तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में ये होता है, इसको कहते हैं इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज। अब इंसिडेंट लाइट रेज है तो कहाँ पर इंसिडेंट होंगे, है ना। तो कई तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि मिरर हो गया, जैसे कि लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, है ना, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये होते हैं, है ना। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट होने वाले लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हमने मिरर का, है ना। तो मिरर पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट रेज इस तरह से डेविएट हो रही है और इस मिरर पर जा रही है ना, ये इस मिरर पर जा रही है। तो इस मिरर पर इंसिडेंट रेज कौन कौन सी हुई, ये और ये, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये, है ना, बड़ा सा जो गोल दिख रहा है ये तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बाय डिफिनेशन ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से एक और फिगर में देखते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ भी एक फिगर बनाया हुआ है ना, तो यहाँ भी मिरर ही लिया है, ठीक है। तो देखेंगे एक लाइट रे इधर से आ रहा है और एक लाइट रे इधर से आ रहा है, ठीक। ये यहाँ पर जो है इस मिरर पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिरर के पीछे पीछे आएगा, है ना। एक्चुअली में देखेंगे तो लाइट रे क्रॉस तो कर नहीं सकता है मिरर को, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, लाइन को एक्सटेंड करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करता हुआ लगेगा उस पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट देखे हमने, पहला में क्या था कि पहला में लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट रे एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट से ही इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर एक्चुअली में इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जब एक्चुअली में पॉइंट इंसिडेंट लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है तो वैसे ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये जो है ये हो गया अपना रियल ऑब्जेक्ट, और जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है ना। तो इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होने का मतलब हम लोग एक्सटेंड करके उनको मिलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लाइट रे इस मिरर को क्रॉस ही नहीं कर सकते, है ना। तो हमने एक्सटेंड करके मिलाया है, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता हुआ लगता है, ऐसा ऐसा अपीयर होता है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो रियल और वर्चुअल में क्या फर्क हुआ, जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेगा तो रियल, और जब इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा, तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज रियल व्हेन इंसिडेंट लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेप्ट, एक्चुअली इंटरसेप्ट, जैसे कि यहां पर, ठीक। और ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा, जब इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा, है ना। कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल व्हेन इंसिडेंट लाइट रेज अपीयर टू इंटरसेप्ट, मतलब एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हुए लगते हैं, तो हम लोग एक्सटेंड करके वहां पर मिलाते हैं, जैसे कि दूसरा वाला ये फिगर में हुआ है, ठीक। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में। अब कई बार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता कि ये ऑब्जेक्ट है, कहा गया कि इंसिडेंट लाइट रेज इंटरसेप्ट एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग जब समझ नहीं पाते हैं तो समझ में नहीं आता क्या करना है ना। अब पता चल गया कि 20 सेंटीमीटर जो बताया जा रहा है वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगा, फिर पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस वेयर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज विल इंटरसेक्ट। यहां पर पूछा नहीं गया कि इमेज का डिस्टेंस बताओ, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा गया है, पूछा गया कि वो पॉइंट का डिस्टेंस बताओ जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब वो इमेज का लोकेशन पूछ रहा है ना। तो ये चीजें हम लोग समझ नहीं पाते, तो वो तब समझ में आएगा जब एक्चुअली में ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफिनीशन हम लोग समझेंगे, ठीक। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ये हमने ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन पढ़ा, वैसे ही इमेज का डिफिनीशन भी सीख लेते हैं, है ना। तो देखते हैं इमेज जो है वो क्या होता है। तो ये होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट, है ना। अब रिफ्लेक्टेड कब होगा, रिफ्रैक्टेड कब होगा, अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिरर है तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वहां इमेज बनेगा, और अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जैसे कि लेंस है, प्रिज्म है ना, कर्ड सरफेस मीडियम का सरफेस है, ठीक, तो वहां पर लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। जहां पर रिफ्लेक्शन होता है वहां पर भी लाइट रे का डायरेक्शन चेंज होता है, जहां पर रिफ्रैक्शन होता है वहां पर भी लाइट रे का डायरेक्शन चेंज होता है। तो जब जब लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है वहां पर इमेज बनता है, ठीक है। इमेज बनने का मतलब क्या हुआ, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पर वो दिखेगा नहीं, कहीं और दिखेगा, जहां दिखेगा अगले पॉइंट पर उसको इमेज कहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग इमेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहीं और रखा है, हमें कहीं और दिखेगा, जहां पर दिखेगा दूसरी जगह उसको हम लोग इमेज कहते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जब जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है,
जब जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है तब तब इमेज बनता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, दोनों केस में डायरेक्शन चेंज होता है ना। तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे मिरर होगा तो उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट को इमेज कहेंगे, जब लेंस होगा तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को इमेज कहेंगे, है ना। तो इमेज का जो डिफिनीशन है वो ये है, इट इज अ पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट, है ना। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग जो है वो इमेज कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब यहां पर लाइट रे को अगर रिफ्लेक्ट कराएंगे, ये लाइट रे इंसिडेंट कहां पर हुआ, यहां पर, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे आएगा रिफ्लेक्ट होकर के, और ये इंसिडेंट लाइट रे कहां इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट पर। तो ये यहां से जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाकर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा, है ना। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है कहाँ पर मिल गई, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है वो इमेज हो गया, ठीक है। उसी तरह से ऊपर वाले फिगर में देखते हैं, ऊपर वाले फिगर में देखेंगे कि ये इंसिडेंट लाइट रे था, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, इधर, ठीक है। उसी तरह से ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, रिफ्लेक्शन होकर के काय किधर जाएगा, इधर। तो ये डाइवर्जिंग लाइट रे है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो डाइवर्जिंग हो रही है, इधर जाकर कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है, एक दूसरे से दूर हो रही है, तो मिलेंगे कहाँ पर, पीछे। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट खोजना हो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक्सटेंड करेंगे पीछे, है ना, ये खोजेंगे। तो ये जो पॉइंट बना रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो है ये हो गया इमेज, ठीक है, ये इमेज हो गया। अब यहाँ भी जैसे दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह के दो तरह के इमेज भी होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि ये मिरर को क्रॉस तो कर नहीं सकती थी, है ना, तो मिरर के इधर जा रही है उल्टा डेविएट होकर के, तो हमने एक्सटेंड करके मिलाया है, यानी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है। तो जब इंटरसेक्ट एक्चुअली में नहीं करेंगी और इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी तो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, और जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये दोनों हैं, ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, है ना, तो इस इमेज को हम लोग रियल इमेज कहेंगे। ये हो गया रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो ऊपर वाला इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, ना। तो दो तरह के जैसे ऑब्जेक्ट होते थे वैसे ही दो तरह के इमेज भी होते हैं, है ना। तो कह सकते हैं इमेज इज रियल व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, है ना। यहाँ जो डायग्राम बनाया है उसमें हमने रिफ्लेक्शन वाला केस लिया है, रिफ्रैक्शन वाला नहीं लिया है, ये लेंस में आता है, ठीक है, या रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में भी आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में भी आता है ना। तो रियल इमेज कब होता है, जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है ना। और इनको वर्चुअल कब बोलते हैं, इमेज इज वर्चुअल व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड
लाइट रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट, है ना, मतलब कि एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करते बल्कि इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं। उस केस में जो इमेज है वो वर्चुअल हो जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल वाला केस हमने कहाँ देखा था, ऊपर, ये वर्चुअल इमेज था क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ये मिरर में देखा है वैसे ही लेंस में भी देख सकते हैं, या रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में भी देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में देख सकते हैं, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन एक रिफ्रैक्शन वाला केस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये प्लेन सरफेस है, यहाँ वाटर है, ठीक है, वाटर इसके अंदर है और ऊपर एयर है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर है, जैसे फिश है, और ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर से देख रहा है, है ना, ऑब्जर्वर ऊपर से इसको देखने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, देखते हैं, ये तो लाइट रे जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। अगर कोई लाइट रे ऐसे जाता है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर जाता है, चूंकि जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है, एयर एयर है, तो ये नॉर्मल से दूर भागता है जब वाटर से एयर में जाता है, है ना, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया है। उसी तरह से इधर से कोई लाइट रे जाएगा तो ये भी जाएगा जब वाटर से एयर में, तो ये भी यहाँ पर बेंड हो जाएगा नॉर्मल से दूर। ठीक है, इस तरह से, तो ये देखें, तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन में ड्रॉ किया है ये बाउंड्री है, है ना, ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री से जब लाइट इंसिडेंट होता है, वहां से जब डायरेक्शन उसका चेंज होता है, तब इमेज बनता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, ये, क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, है ना, और चूंकि ये एक्चुअली में यहां पर लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये भी रिफ्रैक्टेड है, तो ये आगे डेविएट हो रही है दूर की तरफ, है ना, डाइवर्ज हो रही है, तो आगे जाकर ये मिलेंगी नहीं कहीं पर, तो इनको कैसे मिलाना पड़ेगा, पीछे खींचना पड़ेगा इनको, है ना, ये जो है इनको पीछे खींचेंगे ऐसे ऐसे, तो यहां पर कहीं जाकर के ये जो है ये यहां पर आकर के मिलेंगे इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ये एक्चुअली में इमेज हो गया, और ये जो इमेज है वो एक्चुअली में वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल क्यों, क्योंकि एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड लाइट रेज यहाँ पर मिली नहीं है, क्योंकि वो पार कर गई, वो तो दूर जा रही थी, तो इसमें क्या होता है, हमने एक्सटेंड करके मिला है, यानी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंटरफेक्ट करेंगे, है ना, मतलब ऑब्जर्वर अगर इधर से कहीं से देखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ये जो लाइट रेज जा रही है वो कहाँ से जा रही है, यहाँ से। ठीक है, तो ये एक्चुअली में नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला इमेज है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ, है ना, तो रियल डेप्थ एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, और जो अपरेंट डेप्थ होता है वो एक्चुअली में इमेज का पोजीशन होता है। ठीक है, तो वही चीज है, हम लोग आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे लेंस आएगा, मिरर आएगा, तो सब में देखेंगे किस तरह से ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तब तक बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन आएंगे। कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट रख दिए जाते हैं, दो मिरर आमने सामने रख दिए गए, ऐसा भी होता है एक लेंस है उसके आगे मिरर रख दिया गया है, तो बार बार रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन बार बार होता रहता है, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन इमेज है कौन ऑब्जेक्ट है, है ना, क्योंकि कई बार एक के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए जो इमेज होगा दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाता है,
है ना, ऐसा होता है कि एक ने जहां पर इमेज बनाया वहां से जाने वाला लाइट रे वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट हो गया, तो वही पॉइंट जो है एक्चुअली में दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि एक लेंस है ये वाला, ठीक है, और एक यहां पर मिरर है। अब यहां से लाइट रेज आई ऐसे, तो ये एक्चुअली में क्या है, इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये देखेंगे ये इंसिडेंट लाइट रेज है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इधर इन्फिनिटी पर माइनस पर, तो इधर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, और ये जो है रिफ्रैक्शन के बाद कहीं यहां पर मिलेंगे, तो ये इमेज हो गया। ठीक है, ये इमेज किसके लिए है, इस लेंस के लिए, लेंस के लिए इमेज है, इमेज फॉर लेंस। अच्छा, ये लाइट रे, चूंकि मैंने एक सबसे पहले लॉ बताया कि जब लाइट रे इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, वो पार हो जाते हैं ऐसे, ये सीधा निकल जाएगा और ये भी सीधा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो लाइट रे आया था वो इस मिरर के लिए वो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हैं इस मिरर के लिए, और वही लाइट रे इस लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड लाइट रे थे। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस लेंस के लिए इमेज है, लेकिन इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से निकलने वाला जो लाइट है वो इस मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है, तो मिरर के लिए इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट हो गया उसके लिए, और लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है, तो ये इमेज हो गया उसके लिए। ठीक है, तो अब आप इतने सारे एग्जाम्पल के बाद समझ सकते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन जानना कितना ज्यादा जरूरी है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों के मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ऑब्जेक्ट और इमेज का, क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या, है ना? तो मैं बताता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वो कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर प्लेन मिरर के सामने अगर कोई कैंडल रख दिया जाए तो उसका इमेज पीछे बनता है, वो वर्चुअल होता है, उस इमेज को हम पकड़ नहीं सकते हैं, रियल होता ही नहीं, वो वर्चुअल होता है, पीछे बनता है। चाहे हम अपना मिरर में फेस देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं, तो क्या होता है, हम रियल ऑब्जेक्ट होते हैं और जो हमारा इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखेंगे कि जैसे आप कई बार देखते होंगे बचपन में कि एक मिरर ले लिया हमने और मिरर को सन की तरह फेस कर देते हैं, तो क्या होता है, सन से जो लाइट रेज आती हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी दीवार पर हम लोग उसको डालते हैं जिसे एक ब्राइट सा स्पॉट दिखता है ना? तो ऐसे समझ सकते हैं कि उस मिरर में सन का इमेज भी दिखता है ना? तो एक्चुअली में सन का जो इमेज दिख रहा है वो एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, और जो दीवार पर जो ब्राइट स्पॉट दिख रहा है वो रियल इमेज हो गया, है ना? तो जैसे यहां पर सन का जो इमेज दिखेगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दीवार पर ये जो इमेज बनेगा वो जो है रियल इमेज हो गया। ठीक है, अब जो है इसमें खास बात ये है कि जो रियल इमेज होता है, जो रियल इमेज होता है उसको हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना, स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं देख सकते। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है कि रियल इमेज, इमेज कैन बी फॉर्म ऑन स्क्रीन बट
वर्चुअल इमेज कैनॉट बी सीन ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो जो वर्चुअल इमेज होगा उसको स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता है, जबकि जो रियल इमेज होता है उसको स्क्रीन पर देखा जा सकता है।